प्रिया कहाँ जा रही हो? इधर आओ। प्रिया कहाँ जा रही हो? बेशक तुम बता के ना जाओ लेकिन सब पता चल जाता है। तुम्हें पता है कि तुम्हारी शादी फिक्स हो चुकी है, फिर भी उसके साथ तुम घूम रही हो और जगह जगह उसके साथ घूमती हो। बाहर लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? इसी वजह से ये रिश्ता टूट सकता है। अच्छे लोग बहुत मुश्किल से मिलते हैं। बट पापा, मैं उससे प्यार करती हूँ, हम इतने टाइम से साथ में हैं। वो कोशिश कर रहे हैं, जल्दी सेटल भी हो जाएगा। बस आप थोड़ा सा रुक जाओ प्लीज़। हम साथ में खुश रहेंगे और हम दोनों एक दूसरे को समझते भी अच्छे से हैं। बेटा, जो तुम्हें आज प्यार दिख रहा है ना, बाद में काफ़ी दिक्कतें आती हैं और ज़िंदगी बोझ बन जाती है। मैंने तुम्हारी खुशी के लिए ही तो सब कुछ किया है। लड़का अच्छा है, अच्छे लोग हैं और लड़का अच्छी पोस्ट पर भी है, अच्छा कमाता है, तुम्हें हमेशा खुश रखेगा। बाहर तो लोग मिलते रहते हैं पर किसी पे ट्रस्ट तो नहीं कर सकते ना। चलो जाओ, शादी की तैयारी करो। चलो। हेलो राहुल। हाँ प्रिया, बोलो। मैं एक बार मिलके समझाऊं क्या उनको? वो नहीं मानेंगे, मैंने उनको बहुत समझाया है। उन्होंने मेरी शादी भी फिक्स कर दी कहीं और। मुझे नहीं करनी शादी, मैं सुसाइड कर लूंगी। पागल हो क्या? ऐसा कुछ मत करना। मैं एक बार बात करता हूँ उनसे, तुम नंबर सेंड करो उनका। अच्छा ठीक है, मैं करती हूँ। अंकल, मैं राहुल बोल रहा हूँ। वो प्रिया ने बताया होगा आपको मेरे बारे में। अंकल, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, जैसा कि इसने आपको बताया होगा, और दोनों शादी भी करना चाहते हैं। और यकीन मानिए, हम दोनों बहुत खुश रहेंगे आपस में। अभी मेरी प्रैक्टिस चल रही है, बस थोड़े दिनों की बात है, फिर मैं अच्छे से सेटल हो जाऊंगा। बेटा, मुझे प्रिया की खुशी का पता है, तुम अपनी खुशी का ध्यान रखना। और आज के बाद ये डिस्कस ना कहीं बाहर करना और ना मेरे से करना। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी बातों की रिस्पेक्ट करोगे। प्रिया, प्रिया, फोन मुझे दो। लेकिन जब तक तुम्हारी शादी नहीं हो जाती, जब तक फोन मेरे पास रहेगा, ना तुम डिस्टर्ब होगी ना हम लोग डिस्टर्ब होंगे, समझी? जाओ। The subscriber is currently switched off. भगवान शायद कुछ रिश्तों को अधूरा ही लिख के छोड़ देता है। थोड़ा जल्दी आया करो यार। अच्छा अच्छा ठीक है बाबा। तुम्हारे बिना जिंदगी अधूरी सी लगती है यार। तुम तो जानती हो मुझे दो ही जगह सुकून मिलता है। और वो कहाँ? एक तुम्हारे साथ, दूसरा नींद में। बुलावे तुझे यार आज मेरी गलियां, बसां तेरे संग में अलग दुनिया। ना आए कभी दोनों में जरा भी फासले, बस एक तू एक मैं और कोई ना। तेरी रुखसार पर ढले हैं मेरी शाम के किस्से, तेरी रुखसार पर ढले हैं मेरी शाम के किस्से, खामोशी से मांगी हुई मोहब्बत की दुआ होती। दिल तेनू रहना सदा चेते करेरा, किसे होर ते न मरे तेरे ते ही मरेरा, बाण मेरी रानी तेरा राजा। प्रिया, प्रिया,
मेरा लंच का है, मेरे को ऑफिस के लिए लेट हो रही है। तुम रह नहीं दो, तुमसे कोई भी काम ढंग से नहीं होता। एक घर का काम करना होता है वो भी तुमसे नहीं होता। लेकिन ध्यान रखना, मुझे शाम को पार्टी में जाना है। मेरे कपड़ों को अच्छे से धो देना और आयरन करके रखना। हेलो, क्या हाल है? सब ठीक है ना? हाँ पापा, सब ठीक है। आप लोग कैसे हो? यहाँ तो सब अच्छे हैं, पर तुम क्यों परेशान लग रही हो? फिर से कुछ बोला क्या उन्होंने? नहीं, वो तो बोलते ही हैं, कुछ भी कर लो नया, उनको तो सिर्फ बोलना ही है। सब ठीक हो जाएगा, थोड़ा बहुत तो घर में चलता है, घबराओ मत। अच्छा ठीक है पापा, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, कुछ काम है। ओके बाय। हेलो। हाँ पापा। क्या हुआ प्रिया, रो क्यों रही हो? वो कुछ नहीं, इन्होंने बोला था इनके कुछ फ्रेंड्स आएंगे घर पे डिनर के लिए, तो मैंने मना कर दिया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो बस इसी बात पे हमारा झगड़ा हो गया और इन्होंने मुझे मारा। तुम घबराओ मत, मैं अभी आता हूँ। ना तेरी लकीरें हैं बहुत अलग सी, अपनी तकदीरें। मेरा जमीन पे चलना, तेरा हवा सा उड़ना, हाँ ना मुमकिन है तेरा मेरा मिलना। के धूप से कभी अंधेरा जुड़ नहीं सकता, ये इश्क मुकम्मल अपना अब हो नहीं सकता। क्या हुआ डॉक्टर, सब ठीक तो है ना? ट्रीटमेंट दे दी है, आराम थोड़ी देर में आ जाएगा। बाकी क्या मैं एक बात पूछ सकता हूँ आपसे? क्या मतलब? निशान कार एक्सीडेंट या बाइक एक्सीडेंट के तो नहीं लग रहे मुझे। ये एक फैमिली मैटर है, मुझे ये बात किसी से शेयर तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन आप पूछ ही रहे हैं तो मैं बता देता हूँ। हर माँ बाप अपने बच्चे की खुशी के लिए सब कुछ करते हैं, मैंने भी वही किया और मैंने एक अच्छा रिश्ता देख के ये शादी की। लेकिन कुछ दिन बाद ही वो परेशान करने लगे। मेरी बेटी ने मुझे पहले एक लड़के के बारे बताया था, वो उसका बॉयफ्रेंड था और वो उसी से शादी करना चाहती थी, लेकिन मैंने उसकी नहीं मानी। और उस लड़के ने मेरे से फ़ोन पे भी बात कही, वो भी एग्री था शादी करने के लिए, लेकिन मैं नहीं माना। अगर ये मान गया होता तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। सॉरी अंकल, आपको साइड कर दिया, लेकिन जब आपने मुझे एक बात बताई है तो एक बात मैं भी आपको बताना चाहता हूँ। मैं भी एक लड़की से प्यार करता था और वो भी मुझसे बहुत प्यार करती थी। हम दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन उस वक्त मेरी प्रैक्टिस चल रही थी। जब उसने अपने घर पे अपने पापा को बताया तो उसके पापा ने उससे कहा कि उन्होंने कहीं कोई और रिश्ता देखा हुआ है और वो शादी उसकी वहीं करेंगे, वो लड़का उसको खुश रहेगा, रखेगा। वो क्या है ना अंकल, जब किस्मत साथ नहीं देती तो लोग काबिलियत पर भी शक करते हैं। तो उन्होंने उसकी शादी उस लड़के से कर दी। अभी जिस लड़की का ट्रीटमेंट मैं करके आ रहा हूँ ना, वो लड़की वही है। और जिस लड़के ने आपको रिक्वेस्ट किया था फ़ोन पर शादी करने के लिए प्रिया के साथ, वो मैं हूँ। तेरा जमीन पे चलना, मेरा हवा सा उड़ना, हाँ ना मुमकिन।
वफा नहीं है, सब झूठ है, देखो कुछ बचाने